आइए जानते हैं तृप्ति दीमरी के इन सीक्रेट चक्करों के बारे में जिसे कोई नहीं जानता। सैम मर्चेंट। एनिमल फिल्म फेम तृप्ति दीमरी इन दिनों एक खास आदमी को चोरी चिपे डेट कर रही हैं। इस समवन स्पेशल का नाम सैम मर्चेंट है, जिसके प्यार में तृप्ति दीमरी पागल हो रही है। दरअसल इन दिनों तृप्ति अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ फैमिली फंक्शन में स्पॉट की जा रही है। दोनों की क्यूट फोटोज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। खबरों की माने तो सैम पेशे से एक मॉडल थे। साल 2002 में उन्होंने ग्लैड रैट्स मैनहंट कॉन्टेस्ट का खिताब भी जीता था। वहीं अब सैम गोवा में वाटर बीच लाउंज एंड ग्रिल नाम से अपना खुद का क्लब और होटल चलाते हैं। वहीं दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी है, हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है। कर्णेश शर्मा। सैम मर्चेंट से पहले तृप्ति दीमरी का नाम बॉलीवुड प्रोड्यूसर और अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश शर्मा के साथ भी जुड़ा था। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस नजर आते थे। दोनों पार्टीज और रेस्टोरेंट में भी एक साथ स्पॉट किए जाते थे। खबरों की माने तो दोनों की मुलाकात फिल्म बुलबुल के सेट पर हुई थी। फिल्म में तृप्ति लीड रोल में थी और कर्णेश फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। यहाँ तक कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया था। बुलबुल के बाद दोनों ने फिल्म कला में भी साथ काम किया था। दोनों ने करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया। वहीं इस साल जून में दोनों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक दूसरे की सभी फोटोज भी डिलीट कर दी थी। साथ ही दोनों ने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो भी कर दिया था। अविनाश तिवारी। तृप्ति दीमरी का नाम उनके फर्स्ट लीड रोल वाली फिल्म लैला मजनू के लीड हीरो अविनाश तिवारी के साथ भी जुड़ा था। अफवाही थी कि दोनों को फिल्म सेट पर एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए स्पॉट किया जाता था। तृप्ति और अविनाश के बीच की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी, जिसके बाद दोनों में डेटिंग की खबरें शुरू हो गई थी। हालांकि दोनों का रिश्ता कुछ खास लंबे समय तक चला भी नहीं था। वहीं तृप्ति और अविनाश ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की। दोनों से जब भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम ही दिया था। बाबिल खान। लीड एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान के साथ भी तृप्ति की डेटिंग की खबरें उड़ी थी। दोनों ने फिल्म कला में एक साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताती हैं। वहीं डेटिंग की खबरों पर तृप्ति दीमरी ने कहा था कि ये सब महज अफवाहें हैं।